आज खत्म होगी सीएम केजरीवाल की ईडी हिरासत, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हो सकती है पेशी। सुबह 11:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाएंगे सीएम केजरीवाल, आप नेता घटनाक्रम पर नजर रखेंगे। रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी का जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन, पार्टी आज कर सकती है कई प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई, दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आरोपी के कविता। ईडी ने कविता के हैदराबाद वाले घर पर छापेमारी की, लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर साधा निशाना, कहा डीएमके ने तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस और डीएमके पारिवारिक इकाइयां। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कच्चा थीवू पर संवेदनहीनता से मछुआरों को नुकसान पहुंचा। विदेश मंत्री अजय शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्ष पर देश की अखंडता एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया, कच्चा थीवू द्वीप का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री अजय शंकर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बाद कच्चा थीवू मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, समझौते में कच्चा थीवू द्वीप को श्रीलंका को देने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा समझौते में द्वीप को श्रीलंका को दिया, मछुआरे के अधिकार छिन गए। आज बीजेपी मुख्यालय पर थोड़ी देर में शुरू होगी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक, बैठक का नेतृत्व करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बनाई गई घोषणा पत्र समिति की संयोजक बनी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बनाए गए सह संयोजक। आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा पत्र समिति के गठन के लिए बीजेपी ने जारी की थी 27 सदस्यों की लिस्ट, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी घोषणा। आज भारतीय रिजर्व बैंक को पूरे हुए 90 साल, मुंबई में आरबीआई की सालगिरह पर जश्न मनेगा। मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, सुबह 11:00 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा चुनाव प्रचार तेज करेंगे। अमित शाह जोधपुर पाली जालौर सिहोरी के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जोधपुर में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन का आयोजन होगा, कार्यक्रम में शामिल होंगे गृहमंत्री अमित शाह। आगामी चुनावों को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर वार, सीएम ने कहा ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट होगा। लोकसभा प्रत्याशी महुआ मोइत्रा ने ईडी के समन को निराधार बताया, कहा ईडी के समन भेजने से लगातार बढ़ रहे मेरे वोट्स। अमेरिका के मैरीलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के समर्थकों ने कार रैली का आयोजन किया, कार रैली का नेतृत्व सिख अमेरिकियों ने किया। लोग ने लगाए अब की बार 400 पार मैं हूं मोदी का परिवार नारे, कारों के ऊपर लगे थे भारतीय तिरंगा और बीजेपी के झंडे। चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस ने यूपी के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, सूची में 40 नाम। पहले चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट निर्वाचन आयोग को सौंपी, सोनिया गांधी करेंगी यूपी में चुनाव प्रचार। पप्पू यादव ने पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने की तारीख को बदला, 4 अप्रैल को भरेंगे पर्चा। शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, कहा देश के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म होते नहीं देख सकता। यूपी के सहारनपुर में बीजेपी ने किया बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन, जुटे हजारों कार्यकर्ता, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संबोधित किया, प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान किया। विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। लातूर में बड़ार समुदाय की ओर से लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान, एससी एसटी कैटेगरी में शामिल न करने की वजह से समाज में नाराजगी। मथुरा में चैतन्य महाप्रभु की 1008 चरण पादुकाओं का अभिषेक किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। चैतन्य महाप्रभु की 1008 चरण पादुकाओं के अभिषेक में शामिल हुए विदेश भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त भक्ति में रंगे नजर आए। करौली के शीतला मंदिर में शीतलाष्टमी के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ा, बड़ी संख्या में महिलाओं ने मां को लगाया बासोड़े का भोग। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ा, बड़ी संख्या में राम भक्त कर रहे रामलला के दर्शन।
दिल्ली में हॉकी इंडिया छठा वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन, कई खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र की पहली वर्षगांठ समारोह का आयोजन, नीता अंबानी शामिल हुई। नीता अंबानी ने कहा, पिछले 366 दिनों में हमने एनएमएसीसी में 670 कलाकारों, 700 शो और 10 लाख से अधिक दर्शकों की मेजबानी की। बेंगलुरु के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने की शानदार पहल, जानवरों के बाड़े में किया जा रहा पानी का छिड़काव। बाघ के बाड़े में लगाए गए पंखे, अन्य जानवरों में बाड़े में पानी रखा गया। उधमपुर में घायल सांबर के लिए देवदूत बने वन विभाग के कर्मचारी, नहर में डूब रहे सांबर का रेस्क्यू कर जान बचाई। आगर मालवा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बगलामुखी माता मंदिर के दर्शन किए, विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। सुपौल की बेटी ने मैट्रिक के एग्जाम में कमाल किया, हासिल किया छठवीं स्थान, परिवार वालों ने मुंह मीठा कराया। गाजियाबाद में स्पेशल बच्चों के स्कूल वेल बीइंग ने मनाई अपनी सिल्वर जुबली, इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। दिव्यांग बच्चों ने दिखाया अपना हुनर, बच्चों ने डांस किया। अगरतला में लोकसभा प्रत्याशी के लिए सीएम मानिक साहा ने चुनावी कैंपेन किया, आम लोगों से सीएम ने बातचीत की। दिल्ली में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 29वें वार्षिक दिवस की पूर्व संध्या पर डिनर का आयोजन, अथॉरिटी के चेयरमैन ने डिनर की अध्यक्षता की। पुडुचेरी में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने भव्य रोड शो किया, रोड शो में उमड़ी भीड़ को उदयनिधि ने संबोधित किया। वडोदरा में गुजरात पुलिस ने मॉक ड्रिल किया, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। नॉर्थ गोवा में रुद्रेश्वर मंदिर में सीएम प्रमोद सावंत ने दर्शन किए, लिया महादेव का आशीर्वाद। साउथ गोवा के शांत दुर्गा मंदिर में सीएम प्रमोद सावंत ने देवी का आशीर्वाद लिया, सीएम ने माता की आरती की। साउथ गोवा के दामोदर मंदिर में सीएम प्रमोद सावंत ने दर्शन किए, इलेक्शन कैंपेन से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। साउथ गोवा के शांत दुर्गा बल्लीकारन मंदिर में सीएम सावंत ने आशीर्वाद दिया, ग्रहण किया प्रसाद। तिरुपति बालाजी मंदिर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दर्शन किए, मंदिर में आए लोगों ने सीएम के साथ फोटो खिंचवाई। मांड्या में पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने निर्मला नंदन स्वामी से मुलाकात की, चुनाव कैंपेन से पहले आशीर्वाद लिया। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीडीके शिवकुमार ने राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन किए, डिप्टी सीएम ने अपने भाई की जीत के लिए कामना की। गुवाहाटी में जोरदार बारिशों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसा, एयरपोर्ट की छत पर एक हिस्सा ढहा, बाल बाल बचे यात्री। जोरदार बारिश से गुवाहाटी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की खुली कलई, पूरे एयरपोर्ट के भीतर झरने जैसा दिखा मंजर, भीगने से बचने के लिए यात्री ठिकाना तलाशते नजर आए। एयरपोर्ट की कैंटीन का बुरा हाल, बारिश के बीच खुले आसमान जैसा नजारा दिखा, ना तो खुद को न ही सामान को बचाने का ठिकाना नजर आया। जोरहाट बारिश में गुवाहाटी एयरपोर्ट के रनवे पर दरिया जैसे हालात दिखे, जलभराव का संकट। असम के जोरहाट में भी बरपा तूफान का कहर, कई घर तबाह हुए, कुछ लोग घायल हुए।